शातिर चोर गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। अवैध तमंचा, चाकू व चोरी का सामान बरामद। गोंडा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शैलेश कुमार पांडे ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना ईटिया थोक को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 21/2/2021 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक ईटिया थोक में पुलिस बल के रात्रि गश्त देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त में रवाना होकर कस्बा ईटिया थोक में मौजूद थे के जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि शातिर चोरों का एक गिरोह जो हथियारों से लैस है स्टेशन के सामने खाली पड़े मैदान में एकत्रित होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश देकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व जमातल लाशी के दौरान अभियुक्त अतिक सिद्दीकी के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 12 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर एवं अभियुक्त परवेज के कब्जे से 1 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि हम लोग रात्रि के अंधेरे में डुप्लीकेट चाबी से दुकानों का ताला खोलकर या तोड़कर सामान व नकदी चुरा लेते हैं। चोरी के सामान को गांव देहात में जाकर लोगों को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। अभी 2 दिन पूर्व हम लोगों ने डुप्लीकेट चाबी से एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम का ताला खोलकर उसमें रखा काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया, जिसे हम लोगों ने अपने घरों में छिपाकर रखा हुआ है। अभियुक्त गणों की निशानदेही से चुराया हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान 13 अदद LED TV, 2 अदद फ्रिज, 3 अदद वॉशिंग मशीन, 2 अदद गीज, 5 अदद इन्वर्टर, 1 अदद मिक्सी, 1 अदद साउंड, 1 अदद कूलर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। गोंडा से ब्यूरो चीफ डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी के साथ जेजे न्यूज की रिपोर्ट।